सतीश चंद्र मिश्रा एक अच्छे वकील हैं, मैं मान सकता हूँ, एक अच्छे एडवोकेट पार्टी के जो केस रहे हैं बहुत सारे, वो हैं, लेकिन वो एक अच्छे लीडर नहीं सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में। उनकी फैमिली ने, मैं ये भी कहूँगा कि उनकी फैमिली ने मदद की, बहुत मेहनत की, जहाँ भी प्रचार प्रसार में मान लीजिए सम्मेलन के लिए जो उनसे कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे लीडर नहीं कह सकते, स्ट्रेटेजी फेल हो गई। हाँ, शायद अगली बार चल ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण समाज ही उनको लीडर नहीं मानता, तो और कौन मान लेगा। सबसे बड़ी जो ये है वजह। और फिर आप अगर वक्त पे निकलेंगे, मतलब चुनाव के दौरान निकलेंगे, आज का टाइम जो है वो ऐसी लीडरशिप का है जो समय समय पर, यानी अगर कोई घटना घटी है या कोई ऐसा मतलब मामला निकल कर आता है, तो उसमें समाज के बीच में उस नेता को खड़ा होना, इंस्टेंट वो रिएक्शन, बिल्कुल उस नेता का जुड़ाव होना चाहिए जनता से, धरातल का जो एक नीचे कार्यकर्ता है अपने लीडर से, यानी अपने राष्ट्रीय नेता से उसका डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कल 27 मार्च को लखनऊ में समीक्षा आयोजित करी है, जिसमें 10 मार्च को जो परिणाम आए थे उसकी समीक्षा होनी थी, हार के कारणों पर चर्चा होनी थी। लोगों को उम्मीद थी कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं उस पर बात होगी, विश्लेषण होगा और ढूंढा जाएगा कि क्यों बसपा का परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहा। लेकिन क्या कुछ हुआ वो आपने देख लिया, एक रिपोर्ट हमने आपको दी है। ज़मीनी हकीकत क्या थी, वाकई में क्या कारण हो सकते हैं, ये सब चर्चा करने के लिए मेरे साथ तेजेंद्र जी हैं। नेशन टाइम इनका चैनल है, आपने देखा होगा बहुत बारीकी से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप तो उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर हमने पूर्वांचल पर एक फोकस बनाया था कि जब हम वहाँ बहन जी की जितनी भी सभाएं थी वहाँ, और ग्राउंड रिपोर्ट जब हम कर रहे थे, तो ये लग रहा था कि पूर्वांचल का जो रिजल्ट है वो बसपा के कुछ हद तक फेवर में आएगा, क्योंकि जो भीड़ थी और जो तादाद लोगों की तमाम रैलियों में आ रही थी उससे लग रहा था। खासकर अगर मैं लास्ट की जो रैली थी वाराणसी वाली उसकी बात करूँ, तो वाराणसी रैली में वहाँ पर उस दिन सपा और ममता बनर्जी उनके मंच पर थी उस दिन, उसी दिन वो रैली थी और उसी दिन मायावती जी की भी रैली थी, तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो हमने वहाँ देखी वो मायावती जी की रैली में देखी थी। उसमें इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, तो वहाँ लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, कुछ सीटें यहाँ से आने की उम्मीद है। लेकिन रिजल्ट ने फिर बता दिया कि बसपा जो है वो उस भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाई। जब ग्राउंड पर आप और हम लोग जा रहे थे, तो जो खासतौर दलित वोटर था, जब उससे पूछा करते थे जहाँ भी जिस भी गाँव में गए, वो BSP की बात कर रहा था लगातार, लेकिन परिणाम इसके उलट आए हैं। वैभव भाई, इसमें मुझे दो शंकाएं लगी, क्योंकि दलित वोटर जो है वो दलित वोटर ने ये तो मन बना रखा था, वो तो दलित पारंपरिक जो वोट है वो बसपा का है। हाँ। लेकिन उसके साथ अगर उसकी जो अगर लास्ट मूवमेंट की हम बात करें, वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम ने ये बात तय कर ली थी कि उन्हें सपा के साथ जाना है, और जहाँ दलितों ने जो कोर वोटर था, या तो ये कहें कि जो मान चुका था कि हमें सपा के साथ नहीं जाना, क्योंकि सपा ने जिस तरह से 2012 से लेके और 2017 तक का जो कार्यकाल रहा था उसमें जो दलितों के साथ, या ये यूँ कहें कि दलितों से जुड़ी जो चीज़ें थी, ये चाहे वो जनपदों के लिए या प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो या तमाम चीज़ें, वो दलित विरोधी जो उनकी नीति रही थी उसको लेकर वो कहीं ना कहीं हताश था, और इसी कारण जो वोट छिटकने की बात की गई है वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर BJP की तरफ गया, वो बहुत कम तादाद में गया है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो वोट है वो दलित वोट वो सपा की तरफ भी गया है, लेकिन वो नई उम्मीद के साथ गया है, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि नई सपा है, नई हवा है, तो वो उस उम्मीद के साथ वहाँ गया था कि चलिए ठीक है, क्योंकि 300 यूनिट की घोषणा की थी उससे भी कुछ। हाँ, वो भी एक राशन था, राशन तो मिल ही रहा था, वो तो पहले से मिल ठीक है। और मैं आपका बात बताऊं आपको, BJP को वोट मिलने का उसमें एक ये कारण भी रहा है कि BJP ने जो गरीब तबका है उसकी नब्ज को पकड़ा है, उन्होंने वो काम किए हैं। अगर हम जैसे जाते थे तो गरीबों के घर में टॉयलेट वो एक बड़ी समस्या थी, खासकर वो तो उनका जो वोट जो परसेंटेज है, जो अगर हम जाटव वोट को छोड़ दें तो तमाम वो जातियाँ उन पर उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ बनाई है, और खासकर अति पिछड़ी जाति, और ये जो दलित अगर जाटव छोड़कर बाकी दलित की SC शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो वो वोट उस चीज़ पर जरूर गया वहाँ पर। कल समीक्षा बैठक में बहुत सी उम्मीद थी लोगों की, बड़े बदलाव जो बहुत सारी चीज़ बसपा नहीं करती है वो होंगी, आपको क्या लग रहा है? मतलब अब ये समीक्षा बैठक थी या जो रेवेन्यू छूट गया है उसके ऊपर थी, क्योंकि मुझे तो ऐसी खबरें मिली हैं कि ये भी पता चला है कि उस बैठक में कि बहन जी ने जो प्रत्याशियों पर बाकी रह गया था कुछ अमाउंट,
उसको भी जमा कराने की बात की है। देखिए ये अनऑफिशियली बात है, मतलब सूत्रों से होगी, हाँ, लेकिन ये अनऑफिशियली बात थी और ये वहाँ के हमारे भी सूत्र हैं, हर पार्टी में हैं, तो वहाँ से हमें पता चला। लेकिन ये कल्चर बहुत गलत है, ना ये समीक्षा बैठक की, ना इसमें कुछ जो बदलाव है वो खासतौर हमें नहीं है, एक पत्रकार की नज़रिए से अगर हम देखें नहीं लग रहा है। क्या आपको लगता है चार पांच ऐसी चीज़ें जिसमें बसपा को तुरंत काम कर लेना चाहिए अगर 24 में या आने वाले चुनाव में बेहतर करना चाहती है? एक तो अगर सबसे पहली बात कि एक लीडरशिप, जो सबसे बड़ी बात है, जो हम खासकर तमाम बसपा नेताओं से जब हम मिलते हैं, तमाम उन नेताओं से मिलते हैं जो बसपा को छोड़कर चले गए हैं, तो उनकी एक सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए या फिर जो सबसे बड़ा आरोप कह लीजिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, वो यही बात कहते हैं कि बहन जी ने कोई लीडरशिप तैयार नहीं की अपने बाद। और अगर वो लीडरशिप दूसरे पायदान की, हाँ, दूसरे पायदान की अपने बाद, मैंने उनसे सतीश चंद मिश्रा जी हैं, देखिए सतीश चंद मिश्रा जी कहीं नहीं है, उनसे हमारी 3 बार मीटिंग हुई थी, आप भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे लगातार, तो प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं था, वो सारा दलिती सम्मेलन था, उनमें सारे जो हैं वो दलित ही थे। अभी मैं आपको गाजियाबाद की बात बता दूंगा, तो गाजियाबाद का जब इन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था तो वो मोस्टली सारे दलित थे जो आए थे। अब उसमें एक ब्राह्मण मिल गए, वो मेरे जानकार थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई क्या लग रहा है आपको, ब्राह्मण है इसमें, ब्राह्मण आ रहे हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कि इस ब्राह्मण के साथ कौन जाए, ये ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मणों से भी ऊपर ब्राह्मण है, क्योंकि इसे हमने अपने घर के लिए रात इनवाइट किया डिनर लंच उसके लिए डिनर के लिए, तो ये तो अपनी चाय भी साथ लेकर आते हैं, डिनर की दूर बात रही। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, सतीश चंद मिश्रा एक अच्छे वकील हैं, मैं मान सकता हूँ, एक अच्छे एडवोकेट पार्टी के जो केस रहे हैं, हाँ, बहुत सारे उसमें वो हैं, लेकिन वो एक अच्छे लीडर नहीं है। सतीश चंद मिश्रा के बारे में उनकी फैमिली ने, मैं ये भी कहूँगा कि उनकी फैमिली ने मदद की, बहुत मेहनत की, जहाँ भी प्रचार प्रसार में मान लीजिए सम्मेलन के लिए जो उनके कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे लीडर नहीं है, कह सकते हैं स्ट्रेटजी फेल हो गई उनकी, शायद अगली बार चल जाए, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण समाज ही उनको लीडर नहीं मानता, तो और कौन मान लेगा, सबसे बड़ी जो ये है वजह। और फिर आप अगर वक्त पे निकलेंगे, मतलब चुनाव के दौरान निकलेंगे, आज का टाइम जो है वो ऐसी लीडरशिप का है जो समय समय पर, यानी अगर कोई घटना घटी है या कोई ऐसा मतलब मामला निकल कर आता है, तो उसमें समाज के बीच में उस नेता को खड़ा होना, तो इंस्टेंट वो रिएक्शन बिल्कुल चाहिए आपका ना, उस नेता का जुड़ाव होना चाहिए जनता से, धरातल का जो एक नीचे कार्यकर्ता है अपने लीडर से, यानी अपने राष्ट्रीय नेता से उसका डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए, कम से कम आजकल इतने संसाधन है, पहले तो ये सब चीज़ नहीं हुआ करती थी, आज अपने आपको यानी बीएसपी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जो समीक्षा जो बहन जी आज समीक्षा के नाम पर बात कर रही हैं, अगर यही काम बहन जी अपने जितने भी जिला कार्यालय हैं, जो जिलाध्यक्ष जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अगर कोई भी मतलब प्रोजेक्टर के द्वारा या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने तमाम लोगों से हर हफ्ते में या महीने में एक मीटिंग कर लें उनसे और उसकी समीक्षा करें, तब रिजल्ट बेटर, और वहीं पर पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे धरातल पर होगा। लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि फिर मामला पैसे से जब तक नहीं हटेगा और तमाम चीज़ों में जो सुधार, जो नीचे कोऑर्डिनेटर सिस्टम और ये प्रभारी सिस्टम और ये उनको जो कहते हैं ना एजेंट के तौर पर, जब तक इनमें सुधार नहीं होगा वो नहीं होगा। ये मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता है जो विधानसभा में, वैसे हर जगह पे इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता कार्यकर्ता या नेता, मेंटेनेंस देना मंथली रूप से बड़ा भारी पड़ता है कुछ लोगों। देखिए इतना तो हम समझ चुके हैं क्योंकि हम उसी समाज से हैं, और ये मेंटेनेंस का जो चक्कर है अब इसका भी तरीका बदल दिया है। ये माननीय काशीराम साहब की एक पहल रही थी कि मेंटेनेंस जो है वो जरूरी है और पार्टी चलाने के लिए वो फंड भी होना जरूरी है, लेकिन उसका एक तरीका हुआ करता था, एक आम कार्यकर्ता के घर में 10 नेता जाया करते थे और उससे फिर एक चंदे के रूप में 10 का नोट लिया करते थे, जोड़ के आज वो 10 की बजाय उसे 100 का मान लीजिए, चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन वो कल्चर बंद हो चुका है। आज के टाइम में पैसा कैसे लिया जाता है उसका मैं तरीका एक बता देता हूँ, हालांकि ये मेरा आरोप नहीं है, लेकिन ये उसी मतलब जो नेता नगरी है वहीं बीएसपी की या इर्द गिर्द की, उन्हीं के बीच में से निकल कर जो हमें पता चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जाते हैं और तमाम उन अपर कास्ट या ये कह लीजिए कि बीजेपी के या और अन्य पार्टियों के नेताओं से वो इस चीज़ को मैनेज कर देते हैं कि भैया पार्षदी के टिकट में हमारे सामने फला कैसा नेता होना चाहिए, आप हमसे ये अभी से बड़ा आरोप लगा रहे हो। देखिए मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो लोग हमसे कहते हैं और इसका रिजल्ट जो है आपने सुना है, जो सुना नहीं है, इसका रिजल्ट भी हमने देख लिया है। आप तमाम उन जिलों में चले जाइए जहाँ से जहाँ ना आपका पार्षद निकलता है, जहाँ लोगों ने कहा गाजियाबाद में कि हमारे 80 पार्षद 100 पार्षदों की सीट थी, उनमें से मात्र 50 की टिकट हो पाई, 50 खाली रह गई, तो उनका क्या रीजन रहा, क्या रीजन रहा, मतलब खाली रही है वो हिसाब किताब, हाँ वो हिसाब किताब। अच्छा आज के टाइम में यही है, आज किसी को भी उठा के देख लिए, मेरा आरोप नहीं है, ये हमने पता किया है कि हमने लोगों से पूछा है कि क्या आपके घर में बसपा के लोग आते हैं,
कोई चंदा या कुछ ऐसे मांगना, 10 का नोट या फिर 50 का नोट या कुछ भी, उन्होंने मना कर दिया। इस चीज़ को लेकर भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं कल्चर ख़त्म कर दिया है, अब लोग घरों में बैठ के डील कर लेते हैं कि भैया फला से जो है 50,000 ले लो और 50,000 1 लाख ले लो, मेंटेनेंस पूरा कर दो। तो वहाँ पर ये बड़ी डीलिंग चल रही है। फिर वो अगर 22,000-22,500 रुपये महीने के एक विधानसभा की मेंटेनेंस का वो है खर्चा है और वहाँ से उसे देनी है विधानसभा को, तो ये मान लीजिए कि उसके नाम पर 50,000-60,000 रुपये उगा लिया जाता है। अब वो किन से उगाया जाता है, वो कोई पार्टी के वर्कर नहीं होते, कोई कार्यकर्ता नहीं होते। 2024 में क्या देख रहे हो आप, लोकसभा की 80 सीटें होंगी और भी चुनाव आ रहे हैं बहुत से, राजस्थान का आ रहा है, मध्य प्रदेश का 23 में आ जाएगा और हरियाणा का 24 में आ जाएगा। इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो आकाश आनंद है, आकाश आनंद को आगे आकर राजनीति में या तो बहन जी उनको घोषित कर ही चुकी हैं क्योंकि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्होंने बना दिया। लोग उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवारवाद हर जगह है। परिवारवाद क्या तेजस्वी को नहीं होना, हर पार्टी में, हर पार्टी अखिलेश यादव को नहीं लेकर आए, सबका रास्ता वही है। बहन जी भी कुछ ऐसा, अब ये या तो जल्दी करें उसे, टाइम नहीं है अब, क्योंकि ये जो वोट बचा है अगर यही हालात रहे तो 2024 से पहले तो मैं बता रहा हूँ उपचुनाव में ये भी खिसक जाएगा और 24 में तो हालात 5% से नीचे ही आ जाएंगे। तो आकाश आनंद को अटैकिंग राजनीति करनी पड़ेगी और जब ही इनका अट्रैक्शन बन पाएगा समाज के साथ, जो दलित समाज है उनके साथ। अभी ये जो आकाश आनंद अगर नहीं निकलेंगे और जैसे अभी तक वो राजनीति कर रहे हैं इस तरह करेंगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत तैयार हैं, उनके ऑप्शन बहुत तैयार हो रहे हैं और वो समाज में सवाल भी उठा रहे हैं लगातार। डर जो है वो किसी और से नहीं है, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य पार्टी से, इस समाज को ये समाज ही ख़त्म कर देगा। इसका जीता जागता उदाहरण RPI है, उसको उठा के देख लीजिए आज महाराष्ट्र में क्या हालात हैं RPI के, और RPI को ख़त्म करने वाले लोग भी खुद के समाज के लोग थे। तो हमारा मतलब ये है कि अगर यहाँ कुछ करना है तो राजनीति में बदलाव जरूरी है और बदलाव के लिए कुछ चीज़ें जो हैं एक अलग से बहन जी को, शायद बहन जी इस बात को शायद लेती भी हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है जो एक अपना पार्टी का एक LIU तंत्र है उसको और ज़्यादा एक्टिव कर दें अगर वो लेती हैं इस तरह के, और वरना अगर चीज़ें पता है बहन जी को तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, और फिर अब की बार एक चीज़ और सामने आई थी वैभव भाई, मैं आपको बता दूं, जब हम इस बात का है, जब पार्टी की इतनी बड़ी हार हो गई थी तो हम लोगों से पूछ रहे थे कि वजह क्या रही, तो लोगों ने ये तक बताया कि जो जिला कमेटी होती है यानी जो लोकल कमेटी होती है, प्रत्याशियों के चयन से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया कि ये प्रत्याशी जीत पाएगा नहीं, ग्राउंड लेवल पे मतलब जो रिपोर्ट होती है वो ली नहीं गई, तो प्रत्याशियों का चयन हो गया, तो इसके पीछे क्या माने आप बताओ। ग्राउंड से फीडबैक नहीं लिया गया, ग्राउंड से कोई फीडबैक नहीं था किसी प्रत्याशी का। लोगों ने बताया यार मेरी खबर, मैंने उनकी खबर की है चैनल पे, मेरे पड़ी हैं वो रिपोर्टें, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि ग्राउंड से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई और प्रत्याशी आकर उनसे कह दिया गया कि कल के इनके साथ चले जाना, इनसे बात कर लेना। ये प्रत्याशी आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नीचे से जो व्यक्ति है निकलेगा, फिर प्रत्याशी के चयन में भी 5-10 नाम आ जाएं, फिर उसमें से पूछा जाए लोगों से, क्या और पार्टी करती है कुछ ऐसा? बिल्कुल, अगर जीता जागता उदाहरण है बीजेपी तो बीजेपी सबसे बड़ी, और बीजेपी सबको राजनीति सिखा देगी। मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसका मैं कायल हूँ। बीजेपी की कल आपने देखा शपथ समारोह था, योगी जी मंच पे थे और प्रधानमंत्री दंडवत होकर सबको प्रणाम, और जिस तरह का कल्चर उन्होंने दिखाया, चाहे वो कितनी भी कर रहे हो लेकिन जो उन्होंने कल्चर उस दिन दिखाया था ये एक एग्जांपल है। मतलब चाहे सारे मुद्दे उनके खिलाफ हो, चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजनीति उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। जो भी देखता है वो यही कहता है यार देख क्या प्रधानमंत्री है, कितना सम्मान दे रहा है एक कार्यकर्ता को, उसको एक नेता को। तो वो जो चीज़ें हैं वो लानी पड़ेंगी और धरातल पर आना पड़ेगा राजनीति के लिए, धरातल पर आना बहुत जरूरी। एक सवाल है कि BSP ने रैली बहुत कम करी, तो शुरुआत से बस हार गई थी क्या, क्योंकि अखिलेश यादव ने 125 रैली करी है, कम से कम 75 जिले हैं, 80 लोकसभाएं, 403 विधानसभाएं, मंडलों की रैली से आपको कैसे लगता है मैसेज जाएगा? 25-25 देखिए आप कह रहे थे अभी कि बहुत भीड़ थी पूर्वांचल में, अब 25-30 प्रत्याशियों की एक रैली करी, 1,000-1,000 आदमी भी लेके आया, 25,000-50,000 आदमी तो हो गया वो। बिल्कुल देखिए ये बात भी सही है लेकिन इसके पीछे की एक वजह बहन जी की, पंजाब में एक रैली, उत्तराखंड में एक रैली, से कहाँ परिणाम आएगा थोड़ा बहन जी? देखिए फाइनेंशियली तो मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को, क्योंकि दूसरे सबसे मतलब रिचेस्ट पार्टी जो है वो भारत की,
वो है बीएसपी। लेकिन अगर इस तरह के बहन जी की उम्र के हिसाब से अगर वो इतनी नहीं भाग दौड़ कर सकती थी, अब मैं मानता हूँ अगर इस बात को लेकर, क्योंकि एज भी में आसान नहीं होता, तो बहन जी ने जितनी अपनी सामर्थ्य थी उस हिसाब से किया। लेकिन इसके बावजूद बहन जी को एक लीडरशिप जो थी, जो जो तैयार की गई थी या नहीं की गई है, उसको मैदान में उतारना चाहिए था। थोड़ा जिला लेवल पर और अच्छा इसे ज़्यादा मेहनत करके अगर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद हैं या रामजी गौतम थे उस वक्त, उनको लगाना चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था। और भी और नेता हो सकते थे, पिछड़े समाज में ज़्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन पिछड़े समाज तक बसपा की जो बातें हैं वो पहुँची। असलियत में दिक्कत ये है कि हर 5 साल की जो एक कार्यकाल होता है सरकार का, उस कार्यकाल को जो जनता है वो भूल जाती है। नो डाउट ये बसपा ने बहुत काम किए, बसपा ने अपने कार्यकाल जमीन के पट्टे दिए, काशीराम आवास बहुत काम किए, लेकिन अगली 5 साल जब आती हैं, वो 5 साल खत्म होती हैं और जब आती हैं तो जनता वो सब भूल जाती है। जनता भी तो बेनिफिट सीकर है ना, जहाँ से फायदा मिलेगा वही, तो यही कारण एक बड़ा कारण रहा अभी। लेकिन इसमें ये जरूर है कि बदलाव होने चाहिए थे। अब ये नेता जो लगाए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिए होगा बसपा प्रमुख ने। लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अभी विरोध चल रहा है, उसको लेकर मुझे लगता नहीं कि रिजल्ट में कुछ सुधार होगा, क्योंकि अभी वही ढाक के 3 पाप। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।